हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू बीएफएक्स फैक्ट्री वन सेकेंड। रिसेंटली एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था हनुमान मूवीज़ का, और वहाँ पे एक सीन मैंने देखा, हनुमान जी दोनों पहाड़ के बीच में खड़े हुए हैं और बीच में एक नदी क्रॉस हुआ है, ठीक है। और वो सीन मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। सो मुझे भी मन हुआ कि मैं भी इसको रिक्रिएट करूँ अनरियल इंजन के अंदर। सो पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं। बहुत ही इजी है ट्यूटोरियल, आप लोग भी इसे आसानी से बना सकते हो। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये है हमारा सीन जो हम क्रिएट करने वाले हैं। सो हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। सो सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक न्यू लेवल। सो जाएंगे हम फाइल पर, न्यू लेवल, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एम्प्टी लेवल, ठीक है, ताकि आप लाइट सेटअप भी सीख जाओ। सो क्रिएट, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लाइट सेटअप नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं लाइट सेटअप से। सो पहले हमको जाना है यहाँ पे, अगर आपको ये वाला प्लेस एक्टर जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली जाना है विंडोज़ पर, और यहाँ पे आपको ये वाला जो प्लेस एक्टर है इसको चेक कर देना है, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ लाइट्स पर, और यहाँ पे हम डायरेक्शन लाइट को ऐड करेंगे, उसके बाद स्काई लाइट को ऐड करेंगे, ओके। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद दोनों को हम यहाँ पे नीचे राइट साइड पे नीचे डिटेल्स पैनल पे यहाँ पे दोनों को मूवेबल कर देना है, ओके। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स पर, और यहाँ पे हम स्काई एटमोसफियर, वॉल्यूमेट्रिक हाइट फॉग, और अगर आप चाहो तो वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्लाउड्स भी आ गया है। सो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। सो हमारा लाइट सेटअप कंप्लीट हो गया, और आखिर में आपको सिलेक्ट करना है स्काई लाइट को, और यहाँ पे आपको जो रियल टाइम कैप्चर है इसको एनेबल कर देना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है हमारा लैंडस्केप क्रिएट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम सिंपल लैंडस्केप यूज ना करके हम यूज करेंगे लैंडमास का। सो उसके लिए आपको जाना है एडिट पर, और आपको जाना है प्लगइन पर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है लैंडमास। सो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और सिंपली आपके पास एक मैसेज आएगा, तो इसको यस करके आपको रिस्टार्ट करना है, ओके। उसके बाद आपका अनरियल इंजन फिर से रिस्टार्ट हो जाने के बाद फिर से आपका जो प्रोजेक्ट था, आपका जो लेवल था, जिसे हम यहाँ पे सेव किए थे ट्यूटोरियल, तो इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे लैंडस्केप पर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट मोड पे जाना है एंड लैंडस्केप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा लैंडस्केप के लिए। सो यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड पे क्या करना है, यहाँ पे एनेबल एडिट लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। याद रखिए ये ऑप्शन तभी दिखेगा जब आप लैंडमास का प्लगइन एनेबल करोगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा 127 क्वार्ट्स, ओके। आप जो डिफ़ॉल्ट है उसको भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं क्रिएट कर दूंगा, ओके। सो ये हमारा हो गया बेसिक सा काम, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पटिंग कर सकते हो। मैं थोड़ा सा लाइट का डायरेक्शन चेंज करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल एल। आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है एंड माउस को कहीं भी मूव करना है, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी स्कल्पटिंग करने वाला हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, ठीक है, हल्का सा, जैसे कि दिखे थोड़ा सा माउंटेन, आई मीन लैंडस्केप टाइप का दिखे, ओके, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं, ओके। उसके बाद मैं जाऊंगा सिलेक्ट मोड पर, और यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे अपना रिवर, ओके। सो उसके लिए आपको सेम वाटर प्लगइन को एनेबल करना पड़ेगा। एडिट पे जाइए, प्लगइन पे जाइए, और यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए वाटर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको एनेबल करना है लाइक दिस, यस कर देना है एंड रिस्टार्ट कर देना है। हो जाने के बाद सिंपली आपको अपना लेवल जो है उसको एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिवर, ओके। सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वाटर बॉडी रिवर, ओके। सो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और यहाँ पे आपका रिवर आ गया, ओके। सो मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस टाइप का रिवर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका जो कलर है ये अलग टाइप का आपको मिल सकता है। सो उसका भी सेटिंग्स कहाँ पे करना है मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप इस कलर का वाटर चाहते हो तो, ओके। सो आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब बता दूंगा। इसका थोड़ा डायरेक्शन क्रिएट कर लेते हैं पहले। सो मैं इसी एंगल पर बनाऊँगा, क्रिएट करूँगा मेरा जो सीन है, ओके। सो वाटर का जो कलर है आपका स्काई कलर का आ सकता है। सो
उसको कलर चेंज करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग कहाँ पे जाना है और उसका वैल्यू आप देख लेना क्या क्या मैं ऐड किया हूँ वैल्यूज़। सो आपका कलर इस टाइप का आ जाएगा, ओके, ट्रांसपेरेंट टाइप का आ जाएगा। सो यहाँ पे वाटर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डिटेल्स पे आपको धीरे धीरे जाना है। नीचे आपको एक जगह पे देखेगा वाटर मटेरियल, ओके, सो यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास ये विंडोज़ आ जाएगा, सो इसको बंद कर देना है पहले ये कुछ चीज़ों को, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख लो, ठीक है, ये सब वैल्यू आपको ऐड करना है। अगर मैं इसको, इसका जो वैल्यू है, मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाता हूँ आपको क्या चेंजेस होगा, ठीक है। आप वाटर को देखो, आपका वाटर शायद इस कलर का आएगा जब आप पहली बार ऐड करोगे तो, ठीक है। सो इसका वैल्यू मैं समथिंग लाइक दिस, हाँ इतना ही मैं ऐड करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मुझे इस टाइप का चाहिए, पूरा भी ब्लू नहीं चाहिए, ओके। सो ये सब वैल्यू है, आप देखो, अगर आप चाहो तो इसको भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा, उसके बाद मेरा वाटर का काम ख़त्म हो गया। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्विक्सल रॉक, ओके। सो उसके लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्विक्सल ब्रिज पे जाऊँगा। सो क्विक्सल ब्रिज ओपन हो जाने के बाद मेक श्योर कि आप लोग साइन इन कर लिए होंगे। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा 3D एसेट पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ आपको वो एसेट्स मिलेगा, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड करके रख चुका हूँ। सो आपको जाना है 3D एसेट पर, उसके बाद आपको जाना है नेचर पर, और यहाँ पे डिपेंड करता है आपके सीन के हिसाब से, ठीक है। आप किस टाइप का सीन रखना चाहते हो, जैसे जंगल टाइप का या फिर एकदम पूरा डेजर्ट टाइप का, डेजर्ट पे भी रॉक्स होता है, ठीक है, उस टाइप का सीन आप रखना चाहते हो वो आपके ऊपर रहा। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा बीच पर, और यहाँ पे अगर मैं नीचे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ रॉक्स है, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये दो चीज़ बेसिकली थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। सो मैं ज़्यादा रॉक डाउनलोड नहीं करने वाला, बस दो चार ही डाउनलोड करूँगा, ये दोनों एंड ये दोनों, जो हमारा मेन पार्ट कवर करेगा, मेन एरिया कवर कर लेगा। सो मैं तो पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। सो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप जितना भी रॉक्स चाहते हो इन सबको आप सिलेक्ट कर लो, या फिर वन बाय वन भी आप कर सकते हो, आई मीन जो आप चाहो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और डाउनलोड करके एक्सपोर्ट कर देना है, ओके। सो मैं पहले से डाउनलोड करके रख चुका हूँ। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा लोकल पर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, और आप चूज़ कर लेना, सेम चीज़ आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है, ये वाला सब, ओके। सो मैं डाउनलोड करके एक्सपोर्ट भी कर चुका हूँ। सो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे वही सेम रॉक्स को अलग अलग तरीके से हम यूज करेंगे। और अभी हम जाएंगे मेगा स्कैन पर, और यहाँ पे जाएंगे 3D एसेट्स पर। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो, बहुत सारे फोल्डर्स है अलग अलग एसेट्स का, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे हर वक्त अंदर जाके मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाऊँगा आपको। आपको जाना है यहाँ पर और क्लिक करके यहाँ पे आपको स्टैटिक मैश पे क्लिक कर देना है। सो इससे क्या होगा, आपको सिर्फ जो 3D मैशेस है वही सब आपको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ का थंबनेल दिख रहा है। सो यहाँ पे हम अभी वन बाय वन ऐड करना शुरू करेंगे। सो पहले इसको ऐड करते हैं इस तरह से, और इसका जो साइज है हम यहाँ पे राइट साइड पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लाइक इसको मैं 3 रखने वाला हूँ। देखो गाइस, जैसे आपको इच्छा हो रहा है उस टाइप का आप डिज़ाइन करें, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वहाँ रखो। आपका इमेजिनेशन अगर इससे भी ज़्यादा अधिक बढ़िया है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बस स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर का याद रखना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से जो करना है करो।
अभी हम यहाँ पे जो बेस है, जो हनुमान जी को हम यहाँ पे रखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं। आप इस तरफ भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सो हम इसको बाद में करेंगे, पहले हनुमान जी को रख लेते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से एडजस्ट करके करेंगे। ओके, सो हनुमान जी का जो मॉडल है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये वाला जो मॉडल है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि आप यहाँ से जाके डाउनलोड करो और इनको भी थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से भी सपोर्ट मिलता है, हम फ्री में इनका मॉडल डाउनलोड करते हैं। सो इसको सिंपली डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको एक बार सिनेमा 4D या फिर ब्लेंडर पे जाके इसको FBX फाइल पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये STL फाइल पे है। ओके, या फिर आप अगर डायरेक्ट चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनको क्रेडिट ज़रूर देना। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है मॉडल, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा इसका लिंक, लेकिन आप जो क्रिएटर है, असली क्रिएटर इनका, उनको ज़रूर क्रेडिट देना, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस तरह से, और थोड़ा देखते हैं, हाँ इसको रोटेट करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, और जो स्केलिंग है ये आपके ऊपर रहा, कितना आप स्केलिंग करना चाहते हो इसको। ओके, सो जब आप इस मॉडल को इंपोर्ट करोगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो यहाँ पे मैं तो सॉल्व कर लिया हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। आप यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट कर देने के बाद, सीन पे इंपोर्ट कर देने के बाद, आपको जाना है यहाँ पे, आपको सिलेक्ट करना है मॉडलिंग टूल। ओके, इसको भी आपको इनेबल करना पड़ेगा, एडिट पे जाना है, प्लगइन पे जाना है, और यहाँ पे मॉडलिंग, ठीक है, इसको आपको इनेबल करके रिस्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद ही आपको ये मॉडलिंग टूल वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सो मॉडलिंग टूल पे जाना है और जो हनुमान जी को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जाना है नीचे नीचे। ओके, और यहाँ पे आपको रीमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस दिखेगा। सो ट्राई करो कि 1 लाख के ऊपर इसका जो टारगेट ट्राइंगल्स है वो होना चाहिए, लेकिन आपके PC के हिसाब से। सो ये कुछ ज़्यादा ही है, सो मैं इसको 1 लाख ही रखूँगा। ओके, उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम लगता है ये प्रोसेस। ओके, उसके बाद आपको जस्ट इसके लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करना है। सो इसको एक्सेप्ट करते हैं। सो दो प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया। देखो, आप जब इंपोर्ट करोगे ना मॉडल तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा टेक्सचरिंग पे, इसलिए मैं ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको। पहले ये प्रोसेस ख़त्म करना है, उसके बाद आप टेक्सचरिंग करना है। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप है, इसको सिलेक्ट करके आपको सिंपली जाना है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिखा है UVs। सो यहाँ पे ऑटो UV पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है सिंपली। सो हमारा काम हो गया, यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे सिलेक्ट मोड पर, और यहाँ पे अभी हम अपना जो मटेरियल या फिर टेक्सचर है उसको अप्लाई करेंगे। सो मैंने डाउनलोड किया था क्विक्सेल ब्रिज से, आप कोई भी रॉक टेक्सचर एक डाउनलोड करो, ठीक है, और सिंपली उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सो ये वाला है मेरा जो मटेरियल है, ये वाला है, और इसका जो वैल्यू है 1/1 ही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो गया है। ओके, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो हमारा बेसिक काम तो ख़त्म हो गया है, और अभी हमको यहाँ पे इसके ऊपर कुछ फॉलियजेस ऐड करना है, कुछ घास वगैरह ऐड करना है, ठीक है। सो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ HDRI यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मैं अगेन मैं जाऊँगा एडिट पर, सॉरी, सो उसके लिए मैं जाऊँगा विंडोज़ पर, और प्ले सेक्टर को क्लिक करते हैं, और यहाँ पे HDRI मैप को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं इसका जो स्केल है, यहाँ पे इसका जो साइज है, मैं 5000 रखता हूँ। ओके, और आप चाहो तो इसमें जो भी ऑप्शंस है आप इसको भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, या फिर आप
कस्टमाइज्ड आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक डाउनलोड कर के रखा था, HDR आई है सिंपली, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और यहाँ पे मेरा HDRI आ गया है, ओके। सो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा ताकि ये जो मेन पार्ट है इसका, ये वाला, ये इस तरफ आ जाए, ओके। सो यहाँ पे रोटेट करके आप इस तरीके से, आप चाहो तो डायरेक्शन लाइट को टर्न ऑफ कर सकते हो कुछ देर के लिए, ठीक है। और इसका जो इंटेंसिटी है ये 1 रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं लाइक 2000 एंड देखते हैं ये किधर गया। आई थिंक 5000 इज ओके, ओके। सो देन हम टर्न ऑन कर देंगे डायरेक्शन लाइट को और उसके बाद इसका जो डायरेक्शन है इसी तरफ ही रखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्शन लाइट पे जाएंगे और इसका जो इंटेंसिटी है इसको हम कर देंगे डिक्रीज। तो हमारा मेन काम ख़त्म हो गया। सो इस तरफ भी, इसके जो अपोजिट तरफ है यहाँ पे भी कुछ रॉक्स ऐड कर लेते हैं। सो मैं कैमरा को इस तरफ लेता हूँ और इसी को मैं ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा इसको, ठीक है। मुझे ज़्यादा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा वाटर का काम भी ख़त्म हो चुका है और ज़्यादातर सीन क्रिएट हो चुका है। सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, इन रॉक्स को थोड़ा सा पास लेते हैं। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे कुछ ग्रासेस, ठीक है। सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो क्विक्सल पे जाना है, क्विक्सल ब्रिज पे, और आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो 3D प्लांट्स पे और पूरा का पूरा क्विक्सल ब्रिज पे, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, आप यहाँ में से क्या वहाँ पे यूज करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो वो आपके ऊपर रहा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, फ्लावर से, ग्राउंड कवर से, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, डाउनलोड करके रखा हूँ मैं, ठीक है। सो आप थोड़ा टाइम लो, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो वीडियो का लेंथ जो है लंबा हो जाएगा। सो आप डाउनलोड कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। सो मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं काम करूंगा हनुमान जी के ऊपर। जब हम फॉलियज यूज करेंगे पूरा का पूरा ये 3D मैश के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे होगा लेकिन हमको लगता है कि वहाँ होना चाहिए, तो हम वहाँ पे मैन्युअली ऐड करेंगे, ओके। सो सिंपली हम पहले इसको क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग में इसको क्लोज करते हैं और 3D प्लांट्स पे जाते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगा फॉलियज पर, यहाँ पे ड्रॉप फॉलियज हियर लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो जो आप ग्रासेस डाउनलोड किए हो उन सबको यहाँ पे चूज कर लो, पहले देख लो कौन सा आपको डालना है यहाँ पे। सो पहले मैं ये वाला जो ग्रासेस है इनको यूज करने वाला हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पे, ओके। सो इसको मैं छोटा करता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा सिलेक्टेड है, चेक किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है, पेंट डेंसिटी, इसको मैं 0.5 रखूँगा और इसका जो ये वाला डेंसिटी है इसको 100 रहने देते हैं। उसके बाद मैं इसका जो ब्रश साइज है इसको करता हूँ आई थिंक 200, ओके। और यहाँ पे आप ब्रश अप्लाई करना शुरू करो और देखो क्या होता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो जहाँ पे होगा, मैं चारों तरफ घुमा देता हूँ अपना जो ब्रश है, उसके बाद बाकी एरियाज पे देखेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ से ले आऊँगा यहाँ तक, ठीक है। सो आप थोड़ा टाइम लो अपना और यहाँ पे अप्लाई करो जैसा जो हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे नहीं अप्लाई हुआ है उस पे हम मैनुअली ऐड करेंगे। ओके, सो टेंशन लेना नहीं है। सो यहाँ पे हमको कुछ एरियाज पे दिख नहीं रहा है लेकिन अप्लाई हुआ है। जब हम कैमरा को दूर लेते हैं तो चीज़ें गायब होता जाता है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कंसोल कमांड पे जाना है और यहाँ पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, foliage.forceLOD यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे चेंजेस देखो, जो भी अप्लाई हुआ है हमें वो सब दिख रहा है, ठीक है। और अभी हम अगर कहीं पे अप्लाई करेंगे वो सब भी दिखेगा। सो ये अभी आपके ऊपर रहा, आप एक टाइप का ही ग्रासेस यूज करना चाहते हो या फिर अलग अलग यूज करना चाहते हो। जैसे अभी मैं इन सब को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको अनचेक कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलग ग्रासेस यूज करने वाला हूँ, जैसे ये सब ग्रासेस। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग टाइप का है, ठीक है, सेम नहीं है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और आई थिंक सब सिलेक्टेड होगा। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सब सिलेक्टेड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसका जो स्केल है 0.1 रखता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना हमारा मूर्ति जो है, जो भगवान जी का मूर्ति है, यो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से ग्रासेस जो है छोटा रहेगा, ठीक है। और यहीं पे मैं अप्लाई करूँगा ताकि थोड़ा अलग अलग टाइप का ग्रासेस दिखे। और आप चाहो तो इसका स्केल जो है इंक्रीज कर लो, फिर भी छोटा दिख रहा है, 5 कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो ये चीज आपके ऊपर रहा। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये दूर से ज्यादा एट्रेक्टिव नहीं लग रहा है, ठीक है। सो उसके लिए मैं मैन्युअली अभी ऐड करने वाला हूँ। सो मैं जाऊँगा सिलेक्ट पर और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला यूज़ करना है। क्विक्सल ब्रिज पे जाना है और यहाँ पे अगर मैं BUSH सर्च करूँगा और 3D प्लांट्स पे जाऊँगा, ठीक है, तो आपके पास कुछ जैसे झुंड टाइप का, ठीक है, झुंड टाइप का जो हरा भरा थोड़ा ज़्यादा घास होता है ना, उस टाइप का चीज़ें आपको मिलेगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला मैं डाउनलोड किया हूँ, एक मिनट मैं आपको डाउनलोड पे जाके दिखाता हूँ लोकल पे। सो ये वाला और ये वाला, ये दोनों चीज़ें मैं यूज करने वाला हूँ जो थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा लेता हूँ किस तरीके से ये दिखेगा। सो यहाँ पे मैं दिखा लेता हूँ, ये देखिए इसको, ठीक है, ये थोड़ा दिखेगा कि हाँ बहुत सारा है, हमको ज़्यादा ग्रासेस ऐड करने का ज़रूरत नहीं है बार बार मैनुअली। सो उसके जगह हम इस और एक ये वाला है, ठीक है। सो उसके जगह हम इसको यूज करेंगे, इन दोनों को। सो हम शुरू करते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखेंगे। आप इसका स्केल जो है हल्का सा इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा वाला है, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो आप थोड़ा सा टाइम लो और अपने हिसाब से करो, ठीक है। ठीक है, सो मैं ये प्रोसेस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं इसको कैसे सजाऊंगा कि अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ओके। और मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ अभी नीचे वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे रेंडमली हमको कुछ रॉक एंड ग्रासेस यूज करना है, ठीक है। सो मैं रॉक भी डाउनलोड कर चुका था। सो 3D एसेट पे जाना है और यहाँ पे कुछ बीच रॉक्स यहाँ पे मैं डाउनलोड किया था, इसको इंक्रीज करो एंड यूज करो कहीं पे भी इस तरह से, ठीक है, कहीं पे भी रखो गाइस, ये अच्छा ही दिखेगा। लेकिन जो स्केलिंग है उसका थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, खाली दिख रहा है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दो। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग लैंडस्केप पे अभी तक मटेरियल ऐड नहीं किया है। सो मैं उसको भी डाउनलोड कर चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है मेरा लैंडस्केप मटेरियल। सो सिंपली लैंडस्केप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे लैंडस्केप मटेरियल आपको मिलेगा, इसको क्लिक कर देना है, ओके। सो ये अप्लाई हो गया है
और अभी आप जो चाहे यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। सो मैं इतना ही अभी रॉक ऐड करता हूँ, उसके बाद हम कुछ ग्रासेस भी ऐड करते हैं। फॉलेज पे जाऊँगा, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, कहीं भी एक सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करना है, उसके बाद चेक मार्क्स को क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप देख सकते हो कहीं पे भी क्लिक नहीं हुआ है, सो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करूँगा एंड इनको चेक कर दूँगा, ओके। और अभी मैं इन सब खाली जगह पे ग्रासेस भरने वाला हूँ, और आप देख लेना आपका GPU आपका कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन कैसा है, उसी के हिसाब से आप काम करना, ठीक है। कभी कभी ये हैंग हो जाता है, मेरा तो हैंग हो जाता है भाई, ठीक है। इस तरह से मैं इसका साइज भी चेंज करूँगा, थोड़ा लाइक 3 रखूँगा, ताकि थोड़ा सा अलग अलग टाइप का साइजेस दिखे। कुछ इस एरियाज पे भी मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज़, जहाँ पे आपको जो आपके फ्रेम के अंदर आ रहा है ना, बस उसी एरियाज पे आप काम करो, ठीक है। अननेसेसरी मुझे अगर इस एरियाज पे नहीं चाहिए, मेरा फ्रेम पे नहीं आने वाला, तो मैं इधर काम ही नहीं करूँगा, ठीक है। और कुछ इसको 0.5 करते हैं, और इसको 300 रखते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू मैं रखूँगा 50, और यहाँ पे भी कुछ मैं अप्लाई करने वाला हूँ। इस तरीके से आप कवर कर लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सीन है क्रिएट हो चुका है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे करना है, थोड़ा सा डेप्थ के लिए एक्चुअली मैं जो HDR मैप है ना, उसको डिसेबल कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। आप चाहो तो ऐड करना बाद में। हमारे पास है हाइट फॉग, ठीक है। सो इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो देखो यहाँ पे डेप्थ आने लगा है। उसके बाद मैं अगर जाऊँगा नीचे, सो यहाँ पे मुझे मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक फॉग, सो इसको इनेबल कर देना है, तो देखो यार कितना रियलिस्टिक ये लगने लगा है। सो उसके बाद कुछ काम बाकी है, वो है ये जो पहाड़ है खाली दिख रहा है, इन सब पे भी कुछ मुझे भरना है, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रासेस हो जाने के वक्त मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो गया है, सो अभी मैं फास्ट काम करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा लिट पर और अनलिट पे चला जाऊँगा, ठीक है। और अभी मेरा कंप्यूटर फास्ट चल रहा है। सो यहाँ पे मैं पहले चारों तरफ जो है पेड़ पौधा ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको लिट पे ले आऊँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे मेगा स्कैन ट्री जो है वो मैं डाउनलोड किया हूँ, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है मेरे चैनल पे इसके ऊपर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मेगा स्कैन ट्री वो आपको मार्केट प्लेस पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। मेगा स्कैन ट्री सर्च करना है, उसको डाउनलोड करना है, ओके। सो जो पेड़ है मैं इसको नीचे तरफ कुछ एरियाज पे डालता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको डालना है। जैसे मैं ये वाला यूज करूँगा, ठीक है, और इसको रखूँगा यहाँ पे। सो स्केलिंग का ध्यान रखना, इसका जो स्केल है थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लाइक 0.5, ताकि हमारा जो मूर्ति है हनुमान जी का वो हमको बड़ा दिखे, ठीक है। और ये दूसरा वाला है, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको भी 0.5 रखते हैं, या फिर 1 ही सही था। उस मूर्ति के पास जो है उन सबको हम थोड़ा छोटा रखेंगे, और इसका वैल्यू भी 0.5 रखते हैं। और ये थोड़ा हैवी वाला पेड़, इसको यहाँ पे रखता हूँ, और इसको भी 0.5 रखते हैं, ठीक है। यह भी आप टाइम लो, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप टाइम लो और यूज़ करो। और ये पहाड़ पे ऐड करने के लिए वही सेम मैं जो 3D प्लांट्स है उसमें से मैं यूज़ करूँगा, मेगा स्कैन 3D प्लांट्स, एंड आई थिंक ये वाला सही रहेगा। मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। सो मैं वहाँ पे ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। सो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एंड इसको रोटेट करना है, ठीक है। अगर एक एक करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो पहले आप यहाँ पे फॉलियज अप्लाई करके देखो, ठीक है, जो जो एरिया पे ये अप्लाई होने वाला है, सो अप्लाई हो जाने दो। सो यहाँ पे भी मैं वही वाला जो प्लांट है 3D प्लांट, मैं इसको लाने वाला हूँ, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और मेरा पेड़ जो है यहाँ से यहाँ तक है। और इसका जो डेंसिटी है मैं 50 रखने वाला हूँ, और इसको 0.1 से लेके 1 तक, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो इस
का जो पेन डेंसिटी है इसको 1 करते हैं एंड ब्रश साइज इसका 1000 रख लेते हैं। ठीक है, सो अप्लाई हो रहा है, ज़्यादा हमको काम करने का ज़रूरत नहीं मैनुअली। सो यहाँ पे हम चारों तरफ इसको बिखेर देते हैं। सो अपना कंप्यूटर पर थोड़ा ध्यान से देख के, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा डिटेलिंग होने से एकदम हैंग हो जाता है, और इस तरफ भी कुछ अप्लाई कर लेते हैं। सो अभी मैं लिट पे जाऊंगा, लिट मोड पर चला जाऊंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। सो पहले सेव कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेव ऑल, सेव करंट लेवल। ठीक है, अगर सेव नहीं करोगे तो क्रैश हो जाएगा लिट। एंड अभी आप देखो ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद मैनुअली भी मैं बोला कि आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे एक एक करके। सो ज़्यादातर तो कवर हो जाता है। अगर आप इसका जो साइज है, मैं इसका अगर साइज इंक्रीज कर लेता हूँ लाइक 5, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ज़्यादातर एरिया अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से प्रेस कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बाकी आपको क्या क्या सजाना है यहाँ पे, कैसा सजाना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिनेमैटिक शॉट कैसे रेंडर करेंगे। सो अभी मैं पहले जाता हूँ विंडोज पे, और यहाँ पे प्ले सेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास है सिनेमैटिक। सो सबसे पहले एक कैमरा हमको यहाँ पे ऐड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद टेंशन मत लो, ये ब्लू दिख रहा है क्योंकि कैमरा जो है पानी के नीचे है। उसके बाद आपको ये जो कैमरा है इसको लाना है ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड स्नैप ऑब्जेक्ट टू व्यू। ओके, उसके बाद सिंपली पर्सपेक्टिव पे जाना है एंड सिनेमैटिक व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है, अगर आपको सिनेमैटिक शॉट चाहिए। उसके बाद अगेन सिलेक्ट करके आपका जो कैमरा है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, सो अभी हम कैमरा के थ्रू देख रहे हैं टोटल। ओके, सो इसका थोड़ा सा लेंस सेटिंग भी चेंज करेंगे। कैमरा को सिलेक्ट करके जाना है नीचे, सो इसको सिलेक्ट करेंगे 16:9 DSLR। उसके बाद उसके नीचे है ये यूनिवर्सल जूम, ये है उसका लेंस सेटिंग। ओके, सो इसको हम 30mm रखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा लिट मोड पे देखते हैं कैसा दिखता है। सो आप देख सकते हो बहुत ही रियलिस्टिक दिख रहा है ये। ओके, सो अभी हम एक शॉट लेने वाले हैं कैमरा एनिमेशन करके। ओके, सो मैं जाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद आपको एक ऐड लेवल सीक्वेंस को क्लिक करना है। यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ शॉट 1। ओके, सो ये आ गया मेरा सीक्वेंस। सो अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्रेम काउंट कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। ये है हमारा पॉइंटर, इसको अगर मैं यहाँ तक लाता हूँ तो ये हमारा है 150 फ्रेम तक है। ठीक है, और यहाँ पे 30 FPS पे है। तो अगर आप अप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ, तो ये हमारा 5 सेकेंड का हो रहा है। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको डिवाइड करना है, तो ये 5 सेकेंड का है। सो उसके हिसाब से अगर आपको 10 सेकेंड का चाहिए तो आपको 30 × 10 कर देना है, तो 300 होगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 300 अप्लाई कर देना है। ओके, सो ये 300 फ्रेम का टाइमलाइन बन गया, मीन्स 10 सेकेंड का। ओके, और अगर आपको अलग फ्रेम पे चाहिए, अलग FPS पे चाहिए, तो यहाँ पे 24 है, 25 है, जो आपका मन चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट फ्रेम पे चाहेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं अपना जो कैमरा है उसको यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद मैं जो आप पहला फ्रेम पे आपका कैमरा पोजिशन जहाँ पे रखना है आप रख लो, मैं यहाँ पे रखूँगा। और उसके बाद नीचे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ओके, सो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करना है इस तरह से। ओके, और यहाँ पे देखिए एक की फ्रेम आ गया है। उसके बाद मैं जाऊँगा लास्ट फ्रेम तक, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको आप ड्रैग करके ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह से तो ये आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं लास्ट फ्रेम के लिए
मैं अपना जो कैमरा है कुछ इस तरह से रखूंगा, इस तरह से, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी एक कीफ्रेम ऐड कर देना है, ओके। उसके बाद मैं इसको प्ले करूँगा, गाइस मैं इसको अनलिट मोड पे प्ले करूँगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो मेरा कंप्यूटर जो है क्रैश हो जाएगा, वैसे भी स्लो हो रहा है। सो आप यहाँ से पकड़ सकते हो कैसा ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो इसका मूवमेंट स्मूथ कर सकते हो। क्या करना है, दोनों की फ्रेम को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड लिनियर पे क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद अगर मूवमेंट करोगे तो ये स्मूथली मूवमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फाइनल काम हो जाने के बाद, सब कुछ काम कर देने के बाद, आपका सीन क्रिएशन हो गया, आपका लाइट सेटअप हो गया, उसके बाद आपका कैमरा एनिमेशन भी हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको लिट पे ले आऊँगा। ये जो मैं लिट अनलिट कर रहा हूँ ना, ये आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम स्लो हो रहा है, थोड़ा सा अटक रहा है, तो आप अनलिट पे चले जाओ और काम करो। काम ख़त्म हो जाने के बाद आप लिट पे चले आओ, ओके। सो अभी मैं इसको रेंडर करूँगा, उससे पहले फिर से मैं सेव कर लेता हूँ इसको, सेव करंट लेवल। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे रेंडर दिस मूवी, ओके। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ये वाला, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन है। JPG है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, JPG सीक्वेंस, EXR सीक्वेंस, PNG सीक्वेंस, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ज़्यादातर EXR यूज़ करता हूँ, थोड़ा कंपोजिटिंग पे काम आता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे JPG सीक्वेंस ले रहा हूँ और सिंपली आउटपुट पे जाना है और यहाँ पे आपका आउटपुट डायरेक्टरी आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे रिजोल्यूशन आप मैनुअली ऐड कर सकते हो, 4K पे चाहिए तो 4K आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एक्सेप्ट करके यहाँ पे रेंडर लोकल पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा आपका डिटेलिंग है सीन पे उसके हिसाब से टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दो दिन लगेगा, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ, उस सीक्वेंस को आप कैसे वीडियो पे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिसपे आप माहिर हो। मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो सीक्वेंस है, JPG सीक्वेंस है या फिर जो भी सीक्वेंस पे आप एक्सपोर्ट किए होंगे, उसको यहाँ पे ले आना है। सो डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पे मैं पहला शॉट ले लिया था, ठीक है, जो मैं पहले से लिया हूँ वो वाला EXR सीक्वेंस पे है, ठीक है। JPG सीक्वेंस भी सेम होगा, सेम आपको सारा सीक्वेंस दिखेगा। सो पहला जो सीक्वेंस या फिर JPG इमेज होगा वहाँ पे सिलेक्ट करना है, नीचे इमेज सीक्वेंस पे या फिर EXR सीक्वेंस जो भी होगा यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। फाइल पे जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट मीडिया, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सो H264 लेना है और यहाँ पे आप इसी को ले सकते हो, या फिर अगर आपको YouTube पे अपलोड करना है तो Y प्रेस करो, नीचे आपको बहुत सारा YouTube का ऑप्शंस मिलेगा, 4K है, 1080 है, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे आउटपुट जाएगा वहाँ सिलेक्ट करना है एंड एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो आपके पास आ जाएगा। सो यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अनरियल इंजन फिल्म मेकिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस चैनल पे है, गाइस जाके देखो। बहुत सारे लोग अभी तक मेरे चैनल के साथ रूबरू नहीं हुए, तो थोड़ा शेयर करो और आप लोग भी सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ पे, हैव अ नाइस डे।